हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप में जो छोटा सा ट्यूब लगा रहता है उस ट्यूब का क्या काम है, अगर वो नहीं लगा हुआ रहता तो पंप में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता था उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। यहाँ पर देखिए, ये वाला ट्यूब ग्लैंड में जाकर कनेक्ट रहता है केसिंग से, और ये अभी पुश फिटिंग से लगा हुआ रहता है। इसको आप लोगों को खोल कर क्लीन भी करना पड़ता है दोस्तों, और मैं पुश फिटिंग को खोल कर दिखा देता हूँ। ये वाला जो देख रहे हैं अभी, ये पुश फिटिंग में ट्यूब इंस्टॉल है, और इसको पुश फिटिंग को प्रेस करके और जब ट्यूब को बाहर की ओर खींचिएगा तो ट्यूब बाहर आ जाता है। तो ट्यूब को खोल कर आप लोगों को महीने में एक बार चेक करना चाहिए कि वाटर उस पे से आ रहा है कि नहीं, कहीं ट्यूब ब्लॉक तो नहीं हो गया। इस तरह से पानी आना चाहिए उसमें से रेगुलर। अगर ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, ट्यूब के नीचे वाले पॉइंट को भी खोल कर देखना है कि ट्यूब का थ्रू वाटर पास कर रहा है कि नहीं। अगर ये वाला ट्यूब जाम हो जाएगा दोस्तों तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और ये ट्यूब किस लिए इंस्टॉल किया हुआ पंप में, इसको आप लोग जान लीजिए। ये जो ट्यूब है इसको कूलिंग ट्यूब बोला जाता है, ग्लैंड कूलिंग ट्यूब। ये क्या करता है दोस्तों, ग्लैंड को जाकर ठंडा करता है। जो ग्लैंड रोप इस पर इंस्टॉल है उस ग्लैंड रोप को ये कूलिंग ट्यूब ही ठंडा करता है। अगर ये कूलिंग ट्यूब जाम हो जाएगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, स्लीप डैमेज हो जाएगा, ग्लैंड रोप हीट होकर जल जाएगा, स्लीप महीने में 6 महीने में डैमेज हो जाएगा दोस्तों। अगर मैकेनिकल सील इंस्टॉल है तो मैकेनिकल सील में भी इस तरह से कूलिंग ट्यूब दिया हुआ रहता है। अगर ये कूलिंग ट्यूब जाम हो जाएगा तो मैकेनिकल सील का फेस मटेरियल जो है वो क्रैक हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, मैकेनिकल सील से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी पंप में आप लोगों को ये वाला ट्यूब दिखे, ये ट्यूब किस लिए लगाया हुआ रहता है, कूलिंग के लिए। किसको कूलिंग करने के लिए, ग्लैंड लगा हुआ है तो ग्लैंड को ठंडा करेगा, और अगर मैकेनिकल सील लगा हुआ है तो मैकेनिकल सील को ठंडा करने का काम ये छोटा सा ट्यूब करता है दोस्तों। और ये ट्यूब अगर जाम होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ग्लैंड रोप बहुत ज़्यादा हीट होकर डैमेज हो जाएगा, स्लीव डैमेज हो जाएगा। अगर मैकेनिकल सील इंस्टॉल है तो मैकेनिकल सील का जो फेस मटेरियल है वो भी क्रैक होकर डैमेज हो सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, महीने में जब भी आप मेंटेनेंस कीजिए पंप का उस समय इस ट्यूब को खोल कर और क्लीन कर लीजिए, और जब भी आप लोगों को सेंट्रिफ्यूगल पंप में ये ट्यूब दिखे या कहीं पे पूछा जाए कि छोटा सा ट्यूब सेंट्रिफ्यूगल पंप में इंस्टॉल क्यों रहता है, तो आप लोगों को बोलना है वो कूलिंग के पर्पज़ से इंस्टॉल रहता है। वो अगर ग्लैंड रोप इंस्टॉल है पंप में तो ग्लैंड को ठंडा करेगा, अगर मैकेनिकल सील इंस्टॉल है तो वो मैकेनिकल सील को ठंडा करने का काम करता है दोस्तों। तो सिंपल सा बात है कि ये ट्यूब जो है ये कूलिंग के पर्पज़ से सेंट्रिफ्यूगल पंप में इंस्टॉल किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।